हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीपी व्हाट्सएप के बारे में और व्हाट्सएप के बारे में। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस एप्लीकेशन, सो गाइस मैं आपको बता दूं कि दोनों डिफरेंट एप्लीकेशन हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, व्हाट्सएप एक अलग एप्लीकेशन है और व्हाट्सएप जीपी वो एक अलग एप्लीकेशन है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि दोनों सेम एज इट इज लोगो यूज़ कर रहे हैं, ओनली जीपी लिखा हुआ उसके ऊपर, और लोगों को पता ही नहीं कि जीपी व्हाट्सएप एक अलग एप्लीकेशन है। सो गाइस दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि जीबी व्हाट्सएप के यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या है और इसके लॉस क्या है। लॉस जानना बहुत जरूरी हो गया, दैट्स व्हाई आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आपको पता होना चाहिए। अगर आप यूजर हो या फिर आपका फ्रेंड यूजर है तो इस वीडियो को लिंक आप उसको शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स और इसके लॉस क्या है। तो गाइज मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि जीबी व्हाट्सएप एक क्लोन एप्लीकेशन है। अगर आप नहीं जानते क्लोन एप्लीकेशन के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ कि थर्ड पार्टी डेवलपर्स के द्वारा बनाई जाती है। सेम वही कोड सोर्स कोड जो भी है एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, कुछ ज्यादा फीचर्स ऐड भी किया जाता है। मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि व्हाट्सएप से ज्यादा फीचर्स आपको जीबी व्हाट्सएप के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन वो ज्यादा फीचर्स लेने के मतलब आपको बेनिफिट के चक्कर में आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आपको उस एप्लीकेशन वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वो फॉलो नहीं करती, दैट्स वाई वो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जीबी व्हाट्सएप तो आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको किसी पर्सनल किसी वेबसाइट या आपको एपीके फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी वहाँ पे जाकर। तो गाइज ये आपकी मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकता है, आपके बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकता है, और ये मतलब यूज़ करने का आपको डिसएडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है इसका यूज। अब आपको बताना, अब आप सोच रहे हो कि इसके फ़ायदे क्या है, मैं आपको सिंपली फ़ायदा एक बताता हूँ। मेरे को एक ही लगता है फ़ायदा इसका, फ़ायदा एक है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो गाइज एक फ़ायदा लेने के लिए आपको इतना बड़ा नुकसान करना अच्छा लगता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, एक बेनिफिट के चक्कर में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाए, आपका डेटा लीक हो जाए, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होती है वो आपकी विदाउट परमिशन के बहुत सारी जानकारी को चोरी कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, और सेम एज इट इज़ आपको उसी तरह के बिहेवियर से आपको एडवर्टाइजमेंट शो करता है जो कि आपके लिए सही नहीं रहता है। गाइज मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आप कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, कौन सी एप्लीकेशन आप यूज़ करोगे। आई रिकमेंड यू आप व्हाट्सएप ही यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि ये इसके अंदर आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन रहता है। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।